नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मशीनिंग अलाउंस के बारे में। मशीनिंग अलाउंस को फिनिशिंग अलाउंस भी कहा जाता है। तो बात करते हैं कि मशीनिंग अलाउंस को क्यों प्रोवाइड किया जाता है पैटर्न पर। सबसे पहले जब हमें सरफेस रफनेस, डर्ट, स्लैग या फिर कुछ जो दूसरी इम्परफेक्शंस हैं उनको रिमूव करना है कास्टिंग से, तो इसलिए भी हम मशीनिंग अलाउंस को प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, कास्टिंग की एग्जैक्ट डायमेंशंस को प्राप्त करने के लिए मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। जब हमें कास्टिंग पर अपनी आवश्यकता अनुसार सरफेस फिनिश चाहिए उसके लिए भी मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो कई बार कहते हैं कि कास्टिंग ऑक्सीडाइज हो जाती है मोल्ड में या फिर हीट ट्रीटमेंट के दौरान, तो उस समय स्केल इत्यादि बन जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि जो कास्टिंग है उसको थोड़ा लार्ज बनाना पड़ता है। इसके लिए हम पैटर्न पर एक्स्ट्रा अलाउंस प्रोवाइड करते हैं और उसे हम मशीनिंग अलाउंस कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो ये वो जो प्रोडक्ट हमें नज़र आ रहा है ये रफ़ सरफेस कास्टिंग है जो हमें मोल्ड कैविटी में मिली है मोल्टन मेटल के सोलिडिफिकेशन होने के बाद। इसकी अगर डायमेंशंस को अगर हम देखें, जैसे इसकी जो हाइट है 20 mm है और हमारी रिक्वायरमेंट है 15 mm की, तो इसमें जो ऊपर हमें 5 mm एक्स्ट्रा हमने प्रोवाइड किया है वो 20 - 15, तो 5 mm जो एक्स्ट्रा हमने जो मटेरियल इस पर आपको नज़र आ रहा है तो इसको हमें रिमूव करना पड़ता है। तो ये जो 5 mm हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है कास्टिंग के ऊपर, जो रफ़ कास्टिंग है, वही हमारा मशीनिंग अलाउंस है। तो कह सकते हैं कि जो चेंज इन डायमेंशन आया है हमारा कास्टिंग पर वही मशीनिंग अलाउंस कहलाता है, क्योंकि इस 5 mm को रिमूव करके हम जो एग्जैक्ट डायमेंशन है वो प्राप्त कर सकते हैं, या जो सरफेस फिनिश हमें कास्टिंग पे चाहिए मशीनिंग करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि जो मशीनिंग अलाउंस हम प्रोवाइड करते हैं वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल, कि वो क्या हमारा मेटल का क्या नेचर है, वो फेरस मेटल है कि नॉन फेरस मेटल है। अगर फेरस मेटल है तो उस केस में ज़्यादा मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, नॉन फेरस मेटल में कम मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, साइज़ और शेप ऑफ कास्टिंग क्या है। अगर लार्ज साइज़ की जो कास्टिंग होती हैं तो उस केस में हमें ज़्यादा मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन, कि बाद में मशीनिंग ऑपरेशन क्या किए जाएंगे रफ़ कास्टिंग के ऊपर, जैसे ग्राइंडिंग है, टर्निंग है, मिलिंग, बोरिंग इत्यादि। ग्राइंडिंग के केस में कह सकते हैं कि जो मटेरियल है वो कम रिमूव होता है एज़ कंपैरिजन टू टर्निंग। कास्टिंग कंडीशन में जैसे मोल्ड मटेरियल क्या यूज़ करते हैं या फिर मोल्डिंग मेथड्स क्या हैं, जैसे मोल्डिंग मेथड की बात करें, अगर डाई कास्टिंग का यूज़ करें तो उस केस में मशीनिंग अलाउंस कम रहते हैं, सैंड कास्टिंग के केस में मशीनिंग अलाउंस ज़्यादा रहते हैं। नंबर ऑफ़ कट रिक्वायर्ड, क्योंकि जो मशीनिंग अलाउंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ़ कट रिक्वायर्ड्स के लिए जो हमें करने पड़ते हैं कास्टिंग की फिनिशिंग देने के लिए। तो वो कह सकते हैं कि जो मशीनिंग अलाउंस है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कट्स कितने दिए जाएंगे। डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश डिज़ायर्ड ऑन कास्टिंग, तो इस पर भी यह है निर्भर करता है। और जो मशीनिंग अलाउंस हैं वो वेरी करते हैं 1.6 से 12.5 mm के बीच में। और जब भी हम मशीनिंग अलाउंस को प्रोवाइड करते हैं तो उसे श्रिंकेज अलाउंस के साथ जोड़कर प्रोवाइड किया जाता है। तो कह सकते हैं कि श्रिंकेज अलाउंस प्लस मशीनिंग अलाउंस हम पैटर्न पर प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि मशीनिंग अलाउंस क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके आधार पर हम मशीनिंग अलाउंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।